नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं बिफोर पिन डॉट इन। आज महागठबंधन में एक घमासान मच गई है और घमासान का कारण है कि आज डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद जी के यहाँ राजद के 3 विधायक आए और मिले। इसके पीछे क्या मंशा है, क्या खिचड़ी पक रही है, अब तो बताएंगे। हालांकि जो मधेपुरा के जो विधायक हैं चंद्रशेखर प्रसाद जी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, महागठबंधन में सब कुछ ऑल वेज है। आप पहले सुनिए कि जो मधेपुरा के विधायक हैं चंद्रशेखर प्रसाद जी, वो क्या कुछ कहे। और नगर विकास इनके महकमे में है, तो नगर विकास के मुतल्लिक अपने विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिलने के लिए आए, और फिर व्यक्तिगत ताल्लुकात भी अच्छा है इसलिए मिलने के लिए। कुछ राजनीतिक बातें भी, राजनीतिक बात का जगह यह है क्या? नहीं, राजनीति की बात की जगह है और शुद्धतम ये व्यक्तिगत और फिर क्षेत्र के विकास की मुलाकात। कितना संतुष्ट है सर, मतलब काम सरकार जो काम करे? मैंने पहले ही कहा कि अच्छे आदमी हैं, व्यवहार कुशल हैं, डिप्टी सीएम साहब हैं और हमसे पहले से ही अच्छा ताल्लुकात रहा है। हम लोग एक दूसरे के पड़ोसी राजवंशी नगर में रहे हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, इलाके के हैं, इसलिए अच्छा लगा। चंद्रशेखर जी, बीजेपी ये दावा लगातार कर रही है कि आरजेडी में झूठ होता होगा, लोग तोड़ देंगे आरजेडी, और इस बीच आप आए हैं तारकेश्वर जी से मिल रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि तारकेश्वर जी अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे से व्यक्तिगत ताल्लुकात अच्छा रहा है और फिर नगर विकास महकमा ही देख रहे हैं। हमारे मधेपुरा की स्थिति बहुत ही दयनीय है नगर क्षेत्र के मामले में, तो इस संबंध में इस मुतल्लिक बात करने आया। और फिर टूट की जहां तक बात है तो सारी पार्टी टूट सकती है, राजद कभी नहीं टूट सकती, इस भ्रम मत लीजिए। तो आपने सुना कि जो चंद्रशेखर प्रसाद जी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आप सुनते हैं जो जगदीशपुर के जो विधायक हैं राम बिशुन सिंह लोहिया जी, उन्होंने क्या कुछ कहा, आप वो भी सुने। अपने अपने क्षेत्र की समस्या लेकर, हम अपने क्षेत्र की समस्या लेके आए थे क्योंकि नगर विकास के मंत्री हैं। खिचड़ियाँ तो नहीं पकड़ी है सर? कोई राजनीतिक खिचड़ियाँ? नहीं नहीं नहीं, उस समय तो आपने सुना कि जिस तरीके से रामबिशन सिंह लोहिया जी या इसके अलावा जो मधेपुरा के सांसद थे चंद्रशेखर प्रसाद जी ने क्या कुछ कहा। हम आपको बता दें कि कुछ विजुअल भी दिखाते हैं जो आप देख सकते हैं कि जो राजबल्लभ यादव जी की जो पत्नी है विभा जी, वो भी मुलाकात की और बिना मीडिया से बातचीत किए हुए वो गाड़ी में बैठी और चलती बनी। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या खिचड़ी पक रही है, अब चलते हैं दूसरे खबरों की तरफ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।